जी, इस टाइम हम जलसागा में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं शोएब शहीन, एनओसी की कॉपी है। आप नंबर दें, अभी आपको मैं भेज दूं। आप नंबर लिखें ना, मैं आपको भेज दूं। लेकिन साथ उस एनओसी की कैंसिलेशन भी आ गई है, वो भी आप तक पहुंची है। अब सर रिक्वेस्ट ही है जी कि मैं इसलिए आया हूं कि वो कैंसिलेशन हो गई है। ठीक है, तो आप डीसी ऑफिस में रब्ता करें। ठीक है, तो डीसी ऑफिस से जाहिर है वहाँ से इजाज़त होगी तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। सुने ना, डीसी साहब ने इजाज़त नामा दिया है। सुनो, मैं गुजारिश कर दूँ, डीसी साहब ने इजाज़त नामा दिया है कोर्ट के आर्डर पे। कोर्ट के आर्डर का रेफरेंस दे के दिया हुआ है। असल इजाज़त नामा हमारे पास कोर्ट का है। अब जो चीफ कमिश्नर ने उसको कैंसिल किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी फालतू नहीं है जो आपको दे सकें, इसलिए हमारे जिम्मे ना रखें। हाई कोर्ट का फैसला है कि आप इनको सिक्योरिटी दें। अब आप हमें सिक्योरिटी देने का जो है फैसला है, सिर्फ वो फैसला करना है कि आप हमें देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर हम अपने रिस्क एंड कास्ट पर करेंगे तो उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है और हमारा फंडामेंटल राइट है। देखे ना, एनओसी का होना भी जरूरी है। नहीं, एनओसी है ना हमारे पास, अदालत का हुक्म है। अदालत के हुक्म के बाद तो किसी की हैसियत नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो कैंसिल हो गई। नहीं नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये कहा गया है उसके अंदर। सुने ना, सुने मेरी रिक्वेस्ट, सुने, दोनों ऑर्डर आपके पास है। मुझे पता है ना, इसलिए नहीं पता है ना, आपको मैं भेज देता हूँ। सुने, भेज देता हूँ। आप इतनी बहस मुझसे करते हैं ना, इतनी जाके डीसी ऑफिस में जरा डीसी ऑफिस के डीसी ऑफिस से क्यों हम बहस करें? डीसी ऑफिस से क्यों बहस करें? उसकी रीजन ये है कि डीसी ऑफिस ने ही जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है और उन्होंने कहा है कि ये इस जगह के ऊपर कर लें। इससे पहले भी उन्होंने कैंसिल किया हमारा जलसा, इससे पहले भी उन्होंने एनओसी हमारी कैंसिल की, और अब वो कह रहे हैं जनाब कि अब हम दोबारा कैंसिल करते हैं। हम उस एनओसी कोर्ट के ऑर्डर से डीसी ऊपर है ना कोई और ऊपर है, हम कैंसिलेशन ऑर्डर को नहीं मानते जी। समझते हैं हम, समझते हैं। आपने बता दें कि हम नहीं मानते, हम इधर खड़े हैं। हाँ, बात ये है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारा जलसा होगा, उसके ऊपर ये नहीं है कि कोई कदगन है कि एनओसी देना है। उसके ऊपर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसके ऊपर डीसी ने हमें कहा कि आपको सिक्योरिटी मेजर्स, क्योंकि डीसी साहब ने अपनी सिक्योरिटीज वगैरह सारी मैनेज करनी थी, उन्होंने अपने मैनेज करने के बाद ये ऑर्डर कर दिया कि जी ये हमारा एनओसी जारी हो गया। अब जब एनओसी जारी हो गया, ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हमने जलसा यहाँ करना है, और जब अगर सरकारी वकील ने अंडरटेकिंग दी है, कैंसिल करना है ना, अगर किसी ने भी किया, अगर एनओसी कैंसिल किया कमिश्नर ने, तो वो हाई कोर्ट में जाके बताएं, आज अभी दे दें दरखास्त कि हमने ये कैंसिल कर दिया आपके हुक्म के मुताबिक। अगर कैंसिल कर दिया, कोर्ट जाके जो भी ऑर्डर करेगी हम उसको अबाइड बाय करते हैं। हम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट नहीं करते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की है, इसलिए ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है, कोर्ट से ये रेवोकेशन लगवा लें। अभी देखें ना, हम तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, हमें कहती है कि ये हमने कैंसिल कर दिए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ये कहा है, चीफ कमिश्नर ने हमें लिख के जो भेजा है टू डीसी, सुने सुन लेना, आपको भेज रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा है हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं है जो आपको प्रोवाइड कर सके। जो सिक्योरिटी आप इस वक्त लाए हुए हैं ना, हमारे लिए ये काफी है। आप सिर्फ आउटर सिक्योरिटी हमें कर दें, ताकि देखे ना, ये तो ये नहीं कहा कि आपके पास सिक्योरिटी ये नहीं है कि आप जा करके इस जलसे को रोकें। ये कहा है कि जलसे को सिक्योर करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है आज की वजह से। आपके पास तो बहुत है ना, तो ये डीसी साहब, ये डीसी साहब जो है ना वो कोर्ट को जाके बताएं, कोर्ट में बताएं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, जाके कोर्ट को दे दें कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। और कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जलसा कैंसिल करें, सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी जितने आप आए हुए हैं हमारे लिए सिक्योरिटी काफी है। हमें तो चूंकि ये ऑर्डर है कि सुन ले, हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कर लेंगे। देखिए, हमें पर्सनल सिक्योरिटी कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब वहाँ पर जो सारा मामला है वो तय हुआ, ये जाकर इन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर जलसा कर लें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा है या इस इंतजामिया का जो फार्म 47 का हुक्म ले रही है उसका बड़ा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जलसागा में मौजूद हूं। आप ये मनाजर देख सकते हैं। आज ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में पहुंच चुके हैं। नईम हैदर पंजोता साहब इमरान खान से मुलाकात करके भी आ रहे हैं,
वो डायरेक्ट आप आके जलसागा में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज ही लोग पहुंच रहे हैं और इमरान खान का जलसे के हवाले से क्या पेगा यहाँ पे के जलसा कल होने मुझे पता है कि आपकी वीडियो जो है यहाँ पे हमने जब जलती है जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं हर जलसे में तो फिर आपके घर भी पहुंच जाते हैं मकबूल तरीन आपको सलाम है पहले लेकिन इंशाल्लाह सेकंड बात ये है कि मैं सबको कहना चाहता हूँ तमाम लोग कारकुनान देखेंगे यहाँ पे बड़ी तादाद में कारकुनान अभी से आपने पहुंचा है जैसे जैसे कैलेंडर होगा चाहे ये फासला तय करना है कोई दूर से आएगा कोई करीब से आएगा रुकावटें तमाम लोग पहुंचे अगर ये कैंसिल करने की कोशिश करें तमाम या कहें कि आपको जैसा नहीं करने देना इस वक्त हमने अपने कंटेनरों का भी दिफा करना है अपने जो जलसा सेक्रेटरी के हवाले से जो उन्होंने सदबाव करना है जो रेस कर रही है इससे इन तमाम रुकावटों को रोक नहीं सकेंगे इंशाल्लाह ताला कल ये जलसागा जो है अगर आप रोड के ऊपर होगा इंशाल्लाह जीटी रोड आप देखेंगे कारकुनों का जो है यहाँ पे जमे गम आवाम का समंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला कल जैसा कि आप बताया कलंदर होगा ये इंतजामिया जितनी रुकावटें खड़ी करेंगे तमाम रुकावटों को दूर करके इंशाल्लाह ताला पंजाब से सिंध से बलोचिस्तान से केपीके से लोग यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह ताला ये जितने भी आप दूसरी पार्टी के लोग हैं आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कल कानून के तरीके इंसाफ का यहाँ पे खत्म करने के लिए मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए हमारे तमाम कैदियों की रिहाई के लिए आपने निकलना है। अगर अच्छा पंजोता साहब ये बताएं कि आप अडियाला जेल से आ रहे हैं इमरान खान का इस जलसे के हवाले से क्या पैगाम है और लास्ट टाइम हमने देखा कि एक दिन पहले वहाँ स्टेज लग रहा था अभी इंतजामात नहीं शुरू हुएगी यहाँ स्टेज बना बना आएगा। देखिये डीसी से मुसलसल अभी शुएब शहीन साहब रब्ता कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इधर आना था अभी वो आए नहीं तो अगर वो नहीं आते और अगर वो कहते हैं जी कि आपको नहीं इजाजत तो हम जलसा करेंगे हम इधर ही बैठ जाएंगे और सबको कहेंगे कि आप आए क्योंकि लोग आना शुरू हो गए तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनान पहुंच रहे हैं हमारी टीमें आईएलएफ की तमाम दोस्त दीगर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आईएलएफ है और इसके अलावा बुकला आ रहे हैं लाहौर से आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला जब आवाम का समंदर होता है तो फिर आपको रोक कोई नहीं सकता फिर आप के रास्ते में रुकावट को नहीं बन सकता तो इंशाल्लाह ताला ये रुकावटें तोड़ेंगे। इमरान खान का क्या पैगाम? देखिए खान साहब ने बड़ा वाजिया पैगाम दिया है। खान साहब ने कहा है कि आपने इस जलसे को हर सूरत कामयाब करना है और जितने जलसे उन हर जलसों को कामयाब करना है। खान ने कहा है कि जलसा आपका आगाज करेगा आपकी बुनियाद करेगा कि आपके मुल्क को किस तरह से चलना है तो लिहाजा इस जलसे के अंदर पार्टिसिपेशन करें बच्चों के साथ आए बुजुर्गों के साथ आए खवातीन के साथ आए स्टूडेंट्स के साथ आए बुकला निकले नौजवान निकले हर तबके का हर जो है फिक्र का लोग जो है वो निकले और आए और इसको कामयाब करें चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले आपको नजर आ रहे हैं नौजवान तमाम लोगों को। लास्ट टाइम आप सरगोधा से दिल्ली की क्यादत करते हुए आ रहे थे तो क्या इसके बाद पंजाब अपने हल्के में जाएंगे क्या पेशरफ? बिल्कुल जी सुबह जाएंगे और हमने किसी जगह के ऊपर एक लोकेशन दी हुई है जहाँ पर हम तमाम काफिलों को इकट्ठा करके और आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट से कम 300 गाड़ियां जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट से आएंगी और 36 जिले बनते हैं पंजाब के 36 जरब 3 लगाएं उनको कहें कि जरा जरब लगा लें और फिर उसमें 5 लोग लगा लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि पंजाब से कितने लोग आ रहे हैं। मैं बड़े शहरों की नहीं बात कर रहा ये सिर्फ मैं जिलों की बात कर रहा हूँ छोटे जिले जैसे लाहौर है जैसे बड़े जिले हैं गुजरांवाला है शेखुपुरा है सरगोधा बड़ा जिला है तो ये आप बड़े जिलों में आप देखेंगे कि आवाम जो है उधर जो है उसकी तादाद जो है क्वांटिटी जो है और ज्यादा हमने की हुई है इसी तरह केपी इसी तरह बलूचिस्तान इसी तरह जो है वो सिंध तमाम जगहों से जीपी से एजेके से हर जगह से काफिले आ रहे हैं और काफिले जब इकट्ठे होंगे कल जो सूरज तलू होगा तो आप देखेंगे कि फिर आपको भी यहाँ पर पहुँचना मुश्किल होगा गाड़ी पे पैदल ही आएंगे और हम भी लास्ट टाइम पैदल ही गए थे सवाबी तो यही सूरत हाल होगी। बहुत शुक्रिया जी ये मनाजर है इस टाइम दर्शकों की आपको अपडेट देते रहेंगे बहुत शुक्रिया। कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी है कि जी हमें कोई इतराज नहीं जलसा हो जाए ये डीसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो हाईकोर्ट को जाके बताएं हमें क्यों बता रहे हैं आके उधर जाके बताएं हाईकोर्ट में जलसा हर सूरत होगा हमारा आईनी हक है और हम जलसा करेंगे हर सूरत करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि जो भी रुकावटें डाले क्योंकि ये हाईकोर्ट का हुक्म नहीं है जिस पर ये कैंसिल कर रहे हैं ये फॉर्म 47 वालों का हुक्म है तो फॉर्म 47 वालों का हुक्म नहीं माना क्योंकि आवाम ने उनको मिंटना सबसे बड़ा सिक्योरिटी देने वाला है जलसा होगा जलसा होगा जलसा होगा जलसा होगा जलसा होगा जलसा होगा धरना होगा जलसा अच्छा सुनो ना अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। मैं आपको बताता हूँ गुजारिश ये है
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब वहां पर जो सारा मामला है वो तय हुआ, ये जाकर इन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर जलसा कर लें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा है या इस इंतजामिया का जो फार्म 47 का हुक्म ले रही है उसका बड़ा है? हाई कोर्ट का बड़ा है ना, तो हाई कोर्ट का जब बड़ा है इस फार्म 47 की हुकूमत का हुक्म ना माने, डीसी साहब को कहें, उन्हें कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म माने और जाएं जाकर उधर बताएं कि ये सिक्योरिटी रीजन है, हम इस वजह से कैंसिल करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन है और उस टाइम भी इन्होंने एन मौके के ऊपर एनओसी, बेसिकली तो ये डरते हैं ना कि इनकी जो दांधली डाका डाला गया है, जो इस वक्त जुल्म जबर है उसको एक्सपोज कोई ना करे, इस वजह से कर रहे हैं। अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा, हमें कोर्ट ने इजाजत दी, आप कहें जलसा होगा, टू द पॉइंट, बात खत्म, कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके, सर को आप एक जलसा को बात कर रहे हैं, हम आपके सामने बड़े हुए हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या रोक रहे हैं आपको जलसा करने से? देखिए कोर्ट की इजाजत है, कोर्ट की इजाजत, इन्होंने जाकर खुद ट्रेकिंग दी है, इन्होंने कहा है कि जनाब इनको इस जगह के ऊपर हम अलाउ करते हैं और जब इस जगह पे अलाउ कर दिया तो अब एन मौके के ऊपर ये कैंसिल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डीसी साहब ने कैंसिल किया, हमें ऑर्डर दिया गया, हमें ऑर्डर दिया गया जाकर आप जो है ना उस जगह के ऊपर जलसा नहीं हो रहा। तो हमने कहा है कि अदालत बड़ी है या डीसी तो इंस्ट्रक्शन ले रहा है फॉर्म 47 वालों की, तो इन्हें बताया है कि आप हाई कोर्ट का हुक्म माने, ना के डीसी साहब को कहें कि फॉर्म 47 के वालों का हुक्म माने। तो ये मामला चल रहा है, उन्हें हम समझा रहे हैं कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी है कि जी हमें कोई इतराज नहीं, जलसा हो जाए, ये डीसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो हाईकोर्ट को जाके बताएं, हमें क्यों बता रहे हैं आके उधर जाके बताएं हाईकोर्ट में। देखें सिक्योरिटी भी हमारे जिम्मे होगी, सिक्योरिटी भी हम कर लेंगे, हमने सवाबी में जलसा किया, पुरमन जलसा किया, ठीक है नहीं, उधर जमात इस्लामी सुने एक मिनट, जमात इस्लामी ने धरना किया, उधर सुन लेना, उधर क्यों नहीं सिक्योरिटी का इशू बना, उधर क्यों फैसिलिटेट किया गया वहाँ पर? नहीं नहीं सर बताए ना, हम ये सभी साहब ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर आंसू गैस वहाँ पर क्यों पी रही है, सुने आंसू गैस वहाँ पर वाटर कैनन वहाँ पर क्यों नहीं चलाया गया, हमारे ऊपर ही क्यों चलाया जाता है, हमें क्यों नहीं इजाजत कि तरीके साफ का जलसा है, हमने जलसा सर करना है, जलसा हमारा हक है, आईनी हक है, और जलसा होगा, हर सूरत होगा, हमारा आईनी हक है और हम जलसा करेंगे, हर सूरत करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि जो भी रुकावटे डाले, क्योंकि ये हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है जिस पर ये कैंसिल कर रहे हैं, ये फॉर्म 47 वालों का हुक्म है, तो फॉर्म 47 वालों का हुक्म नहीं माना क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, लिहाजा फॉर्म 47 वालों के हुक्म के ऊपर। वो आए थे इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार आए थे पैगाम देने, उन्होंने पैगाम दे दिया, अब वो रोकने की कोशिश करेंगे चाहे डंडे के जरिए रोके। मेरी बात सुनो, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जलसे का, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, ये कमिश्नर चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला जो भी करना है वो जाके हाई कोर्ट में दे, हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा करना है और ये जो मर्जी करें, हमें सिक्योरिटी ना दे, हमारी अपनी सिक्योरिटी, अल्लाह सबसे बड़ा सिक्योरिटी देने वाला है। जलसा होगा, धरना होगा, जलसा होगा, देखें जी जलसा होगा, ये रीजन इसके अंदर रीजन ये बना रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामला, सिक्योरिटी की वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जलसा जो है वो नहीं हो सकता, एन मौके के ऊपर हमारे पास सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी जी आपको बता रहे हैं कि यहाँ इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार पहुंचे थे, लेकिन तरीके इंसाफ के वकला का कहना है कि जलसा होगा, हर सूरत होगा, और वकला ने पुलिस के सामने ये नारे लगाए हैं कि जलसा होगा। जी इस टाइम हम जलसागाह में मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार पहुंच गए हैं, ये देख सकते हैं शुएब शहीन, एनओसी की कॉपी है, आप नंबर दें अभी आपको मैं भेज दूं, आप नंबर लिखें ना मैं आपको भेज दूं, लेकिन साथ उस एनओसी की कैंसिलेशन भी आ गई है, वो भी आप तक पहुंची है। अब सर रिक्वेस्ट भी है जी कि मैं इसलिए आया हूं कि वो कैंसिलेशन हो गई, ठीक है, तो आप डीसी ऑफिस में रابطہ करें, ठीक है,
तो डीसी ऑफिस से जाहिर है वहाँ से इजाजत होगी तो हमें तो कोई इतराज नहीं। सुने ना डीसी साहब ने इजाजत नामा दिया है, सुनो मैं गुजारिश कर दूँ, डीसी साहब ने इजाजत नामा दिया है कोर्ट के आर्डर पे, कोर्ट के आर्डर का रेफरेंस दे के दिया हुआ है, असल इजाजत नामा हमारे पास कोर्ट का है। अब जो चीफ कमिश्नर ने उसको कैंसिल किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी फालतू नहीं है जो आपको दे सकें, इसलिए हमारे जिम्मे ना रखें। हाई कोर्ट का फैसला है कि आप इनको सिक्योरिटी दें, अब आप हमें सिक्योरिटी देने का जो है फैसला है सिर्फ वो फैसला करना है कि आप हमें देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर हम अपने रिस्क एंड कास्ट पे करेंगे तो उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है और हमारा फंडामेंटल राइट है। देखे ना एनओसी का होना भी जरूरी है, नहीं एनओसी है ना हमारे पास, अदालत का हुक्म है, अदालत के हुक्म के बाद तो किसी की हैसियत नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो कैंसिल हो गई। नहीं नहीं मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये कहा गया है उसके अंदर, सुने ना, सुने मेरी रिक्वेस्ट, सुने दोनों ऑर्डर आपके पास है, मुझे पता है ना, इसलिए नहीं पता है ना, आपको मैं भेज देता हूँ, सुने भेज देता हूँ, आप जितनी बहस मुझसे करते हैं ना इतनी जाके डीसी ऑफिस में जरा डीसी ऑफिस के डीसी ऑफिस से क्यों हम बहस करें, डीसी ऑफिस से क्यों बहस करें, उसकी रीजन ये है कि डीसी ऑफिस ने ही जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है और उन्होंने कहा है कि ये इस जगह के ऊपर कर लें। इससे पहले भी उन्होंने कैंसिल किया हमारा जलसा, इससे पहले भी उन्होंने एनओसी हमारी कैंसिल की, और अब वो कह रहे हैं जनाब कि अब हम दोबारा कैंसिल करते हैं, हम उस एनओसी कैंसिलेशन डीसी ऊपर है ना कोई और ऊपर है, हम कैंसिलेशन ऑर्डर को नहीं मानते जी, समझते हैं हम समझते हैं, आपने बता दें कि हम नहीं मानते, हम इधर खड़े हैं। हाँ बात ये है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारा जलसा होगा, उसके ऊपर ये नहीं है कि कोई कदगन है कि एनओसी देना है, उसके ऊपर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसके ऊपर डीसी ने हमें कहा कि आपको सिक्योरिटी मेजर्स, क्योंकि डीसी साहब ने अपनी सिक्योरिटीज वगैरह सारी मैनेज करनी थी, उन्होंने अपने मैनेज करने के बाद ये ऑर्डर कर दिया कि जी ये हमारा एनओसी जारी हो गया। अब जब एनओसी जारी हो गया ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हमने जलसा यहाँ करना है, और जब सरकारी अगर वकील ने अंडरटेकिंग दी है कैंसिल करना है ना, अगर किसी ने भी किया, अगर एनओसी कैंसिल किया कमिश्नर ने, तो वो हाई कोर्ट में जाके बताएं, आज अभी दे दें दरखास्त कि हमने ये कैंसिल कर दिया आपके हुक्म के मुताबिक। अगर कैंसिल कर दिया कोर्ट जाके जो भी ऑर्डर करेगी हम उसको अबाइड बाय करते हैं, हम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट नहीं करते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की है, इसलिए ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है, कोर्ट से ये रेवोकेशन लगवा लें। अभी देखें ना हम तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हमें कहती है कि ये हमने कैंसिल कर दिए, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ये कहा है, चीफ कमिश्नर ने हमें लिख के जो भेजा है टू डीसी, सुन ले ना आपको भेज रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा है हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं है जो आपको प्रोवाइड कर सके, जो सिक्योरिटी आप इस वक्त लाए हुए हैं ना हमारे लिए ये काफी है, आप सिर्फ आउटर सिक्योरिटी हमें कर दें, ताकि देखे ना ये तो ये नहीं कहा कि आपके पास सिक्योरिटी ये नहीं है कि आप जा करके इस जलसे को रोकें, ये कहा है कि जलसे को सिक्योर करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है आज की वजह से, आपके पास तो बहुत है ना, तो ये डीसी साहब, ये डीसी साहब जो है ना वो कोर्ट को जाके बताएं, कोर्ट में बताएं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, जाके कोर्ट को दे दें कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जलसा कैंसिल करें, सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी जितने आप आए हुए हमारे लिए सिक्योरिटी काफी है, हमें तो चूंकि ये ऑर्डर है कि सुन ले हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कर लेंगे, हमें पर्सनल सिक्योरिटी का